क्या करने वाली हूँ और एलविस यादव ठग लाइफ एंड एटीट्यूड वीडियो सिस्टम। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको क्या लगता है कि एलविस चीटर है जीतेगा? अगर बाय चांस नहीं जीते तो क्या होगा? अगर चीट वीट करने की ना कोशिश करी तो आगे किन के रास्ते बंद हो गए? तो इसका भी जीएस सिनेमा दोबारा वही हाल हो जाएगा जो पुनीत के टाइम पे हुआ था भाई। मैं कह रहा हूँ खत्म ही हो जाएगा। ऑब्वियसली ना इतने गेम्स खेलेंगे तो लोग का ट्रस्ट टूट जाएगा शो पे से। उसको थोड़ा साइड में होने दे, उसके पास जा, उसको बोल कि मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ, तुम्हें खाना है? ऐसा पूछ। बोलेगा खाना नहीं खाया तो उसने बोला ठीक है मैं खुद के लिए कुछ बना रही हूँ। बर्तन के जब अभी नहीं, लंच वाले बर्तन होंगे वो इतने, और उसी के बाद आप जो यहाँ की झाड़ू है नॉर्मल वाली वो कर देना बस। किचन सबने खा लिया है? नहीं। आपने खाना खाया है? नहीं मैंने नहीं खाया, उसके बाद करना। मैं अपने लिए अंडा बना रही हूँ, आपको चाहिए? नहीं थैंक यू। भाई मेरे पे फोन आया इसका, फोन पे, और ओ एल्विस भाई मेरा दिमाग चटक गया। मैंने किसने वही रोक ले हम ना बना रहे हो लोग, हम नहीं बना रहे हैं। पापा कहाँ है भाई? अंकल बना रहे होंगे भाई। पापा कहाँ है? पहले चले गया पापा। पापा दर किसने बताया रहा सिनारियो? बेसिकली तो वहाँ पे रशियन वगैरह आ रही है तो उसके लिए मम्मी आपको पता है रशियन आ रही है? छह रशियन मंगा रखे मैंने। बोल रशियन कहाँ था? रशिया रशिया था। क्यों बुला रखे पता? आतिशबाजी कौन करेगा फिर? अच्छे करेंगे के? मेरा हाथ पकड़ गाड़ी में कौन बैठाएगी? पापा ने गाड़ी में कौन बैठाएगी? रसिया पापा जनो। मम्मी कितनी क्यूट है। बुरा लगा मेरे को। तेरे को लग रहा था मैं नहीं आऊंगा, पक्का लग रहा है? मैं ब्लॉग सुना तो उसमें तो आते नहीं आप। मुझे लगा कैमरे से थोड़ा। अरे तेरे लिए तो खुद को छोड़ जाऊंगा। प्यारा, बहुत प्यारा था ये क्लिप। ओह माय गॉड। That's the chair. Okay, that's the someone should sit there and say what you want to say. Headphones and say anything. इसकी क्या रह रहा है अंग्रेज ना बन जाऊं? मैं थोड़े रोड के कच्चे में खड़ा थे, गाड़ी आती है भाई बहुत तेज और मेरी तरफ सीधी, और पास आके एकदम जैसे मैं तो साइड में कूद गया और उसने कट मार दिया, मैं थोड़ा गिर सा गया था। एलिस भाई फोन पे बात मिलाने की कोशिश कर रहे, एकदम नीचे देखा, एलिस भाई ने कही ये गलत करा भाई ने, मतलब मका भाई कोई बात ना छोड़। तो दो फैन से आ रखे थे कि भाई फोटो, एलिस भाई ने कही फोटो कराऊंगा बाइक चाहिए तुम्हारी है, मका भाई क्या होगा उनकी बाइक ले लेकर छोड़ो। अब भाई उनकी बाइक ले ली और फिर क्या थी? बेशरम ऐड कर दिया। बेशरम नाग शक्ति, वो बेशरम है। बेशरम तुम लोग हो ना? मैं नाग शक्ति। मैं बेशरम नाग ही है। मैं नाग शक्ति। नहीं नाग शक्ति तो हमारे ग्रुप का नाम था। मेरी बात सुन, बेशरम हम लोग ही हैं। तेरी बेशरम नाग ग्रुप। बेशरम नाग शक्ति। नाग ग्रुप। नाग ग्रुप तो कुछ अलग है, ये तेरा लगता ग्रुप तो ना कोई जो तू घर में चला रही है भाई। ये क्या मस्त सीट है। बेशरम नाग ग्रुप। ये तेरा ग्रुप होगा हमारा ना। ये जो आपको ज्वाइन करते हैं हाँ, वो हजार रुपए दे के ज्वाइन करते हैं आपके फ्री में। एक काम कर लो हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना हाँ, तो ना कि जान मत देना भाई हाँ, 500 रुपए मुझे फॉलो कर लो
अभी मदद है भाई, अभी मदद है, अभी तूने गाने में उंगली किया ना, अभी मदद है भाई। सलमान खान के रास्ते 4-5 मिलियन जो पोलर है वो कम हो गए हैं। कल्लू भाई कह रहे 500 रुपए दे देंगे क्या तुम्हारे फैंस, तो मैं 5 जगह 5,000 भी दे देंगे। लिपस्टिक और थोड़ा फाउंडेशन दोनों बात नहीं, पर मम्मी से तो पिटूंगा ही यार, मेरी मम्मी शक करते हैं ये चीज रात को करेंगे ना, अच्छा लगे ना रे 90-20 देखी थी तब से हमको लगा था उस दिन जब ही इनका झगड़ा चल रहा था ना, कुछ और साउंड चैड और बेबी का पकड़े गए तो कह देंगे सॉरी, हमारी तो आदत है रात को ये सब करने की। पूर्णिमा की रात को हंसी है कभी इतनी जिंदगी में? हाँ यार ऐसे तो हंसी हूँ मैं। और कौन हंसा रहा तुझे इतना? पर किसी प्रेग्नेंट ने हंसाया कभी? जेड ने सुन ली लगा है। जेड का? जेड आज ओटीटी में सोएगा। सही है ना, सोए साले को। साले को। यार हमारा नेगेटिव ग्रुप लग रहा है मुझे अब। यार अब धीरे-धीरे सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा बुल साइड। नहीं। मतलब बिचिंग तो अपन करते, वो तो सारे करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिचिंग में क्या होगा? लेकिन ऐसे कभी-कभी लगता है कि थोड़े जैसे ये बेबिका को करता मस्ती मजाक में सही। आजकल तो बेबी का बेचारी शांत शांत रहा है, यही चिपटा है उसके। पर कोई ना। हाँ। मकसद याद रखियो। क्या? प्रेग्नेंट? बता दो सबको बाहर जाके तुम प्रेग्नेंट हो। अरे पागल है क्या? और क्या? फिर मिठाई बांटनी पड़ेगी, अभी मत बता। वॉशरूम जाके आई। मिठाई नहीं है मेरे पास। प्यारा लगता है इनका ग्रुप, ये इनके दिमाग में बैठ गया ऐसे कि शायद नेगेटिव दिखता है नॉल। इनको जाके अभी टोको या मगर अगर वो टोकने की कोशिश भी करता है तो मैं ऑफेंड नहीं होती हूँ, वही तो प्रॉब्लम है ना। ओके ये अभी क्या हुआ, वो वीकेंड का वार एंड एवरीथिंग यू नो, तो इनके दिमाग में वैसे हो गया कि शायद हम लोग बहुत नेगेटिव दिखते हैं या हम लोग बड़े नेगेटिव है लग रहे हैं, शायद ऑडियंस हमको उतना प्यार नहीं करेगी एंड ऑल। तो बाहर आने के बाद इनका टोटल परसेप्शन मतलब ऐसा हो जाएगा कि माँ कसम हम तो छाए हुए हैं खतरनाक तरीके से। पापा की एंट्री और पापा का जो कुछ हुआ बिग बॉस के घर के अंदर, इट वॉज वेरी क्यूट। जैसे तेरे लिए तो मैं अपने आप को छोड़ दू ऐसे ही कुछ बोला ना उन्होंने। मैं एक ही बार आप लोगों के साथ क्लिप देखा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। मम्मी के साथ वाली बॉन्डिंग, वो रशियन वाला एंड एवरीथिंग, मेरे लिए कौन ये करेगी, पापा के लिए। जॉली सी फैमिली बोलते ना, हंस खेल के मस्त अच्छे से रहना। शायद देखो एक क्लिप था जहाँ पे वो बहुत रो रहा था, वो कौन से वाले इसका क्लिप था, उस मम्मी वीडियो कॉल वाला नहीं था, पापा आने वाला भी शायद नहीं था, या फिर किसी की और की मम्मी या कोई आया होगा तो इसलिए उनको वो रोना आ गया होगा, राइट? बिकॉज ना बहुत ही मेरे को बहुत स्वीट क्यूट से भी लगने लगे अल्पेश यादव। पहले कभी यूट्यूब पे जब देखती थी तब क्यूट नहीं, बाकी सब बोलती थी मैं, बट क्यूट नहीं। अब वो जब से घर के अंदर गए, जैसे उसके मालिश कर रहे थे सर की एंड एवरीथिंग, वो कितना क्यूट लग रहा था सारी चीजें, पता है, जैसे अपनी दोस्त का केयर करना, हंसाना, फिर एक इमोशनल साइड दिख गया एंड सब चीजें, कितने प्यारे हैं, कितने रिस्पेक्ट करते हैं अपने फैमिली के एंड एवरीथिंग, सारी चीजें देखने के बाद बड़े क्यूट भी लगने लगे मुझे वो। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज प्लीज। बाकी परत मियाले था, बाय।